हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.4। चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लास 12। ठीक है ना? तो बच्चों, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसके क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान, तुरंत सॉल्व। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है ना? हमें इसको सॉल्व करना है। जाहिर सी बात है, सॉल्व ही करना होगा, है ना? तो अब देखो, एक चीज देखो बच्चों, जब आप इंटीग्रेट करते थे किसी भी चीज को, फंक्शन को इंटीग्रेट करते थे, तो एक बात को समझो, ध्यान से देखो। जैसे यहां पे ऐसे लिखा हो x, तो इसके साथ में क्या होता था? dx। मैं कहूं इसको इंटीग्रेट करो, तो कितना होगा इसका इंटीग्रेशन? x² / 2 + c। हाँ, ठीक। अच्छा, अगर यहां पे ऐसे लिखा हो t लिखा हो, तो t के साथ में यहां पे dt लिखा होगा। मतलब अगर x है तो dx, t है तो dt, तो भी इसका आंसर क्या आएगा? t² / 2 + c। ठीक है? अच्छा, कुछ और भी दिया हो, जैसे मान लो y दिया हो, तो यहां पे क्या होगा? जैसे x है तो dx, t है तो dt, y है तो क्या होगा? dy, है ना? ये सब चीज आपको पता है, बस थोड़ा सा मैं ध्यान दिला रहा हूं। ठीक है? तो देखो, y dy होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? y² / 2 + c। ठीक है? अच्छा, तो देखो बच्चों, वही कहानी यहां पे भी है। इसमें करना क्या है? देखो, x अगर है तो उसके साथ में पैरामीटर क्या है? dx होना चाहिए। t है तो उसके साथ dt होना चाहिए। y है तो dy होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इस जो एक्सरसाइज है, इसमें यही करना है आपको, कि आपको जैसे यहां पे देखो, ये x x दिया है, तो इसके साथ में dx होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर यह y होता, जैसे लिखा होता cos y, तो dy होना चाहिए था। ठीक है ना? तो इस एक्सरसाइज में ऐसा ही होगा, कहीं पे एक्स होगा, कहीं पे वाई होगा, तो उनको करना क्या पड़ेगा? हमें सिर्फ सेट करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा कि एक्स वाली कहानी एक्स के साथ आ जाए और वाई वाली कहानी वाई के साथ आ जाए। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, अगर इस डीएक्स को मैं यहां भेज दूं, ये डीएक्स दिख रहा है, इस डीएक्स को यहां भेज दूं, तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, dy = 1 - cos x / 1 + cos x, और ये dx हो गया यहां पर। ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या किया हमने? दोनों साइड में इंटीग्रेशन का निशान लगा दिया। ठीक है? इंटीग्रेट कर दिया दोनों को। अब ध्यान से देखो आगे की कहानी। अब आपको बच्चों पता होगा, हमने एक फार्मूला पढ़ा ना, 1 - cos x। क्या फार्मूला होता है इसका? 2 sin² x / 2। अगर नहीं पता है तो नोट कर लो भी। ठीक है? इसी तरह से 1 + cos x, तो उसमें क्या हो जाता है? ये हो जाता है 2 cos² x / 2। ठीक है? तो चीज यहीं पे फिट करते हैं। तो बच्चे, ये तो हो गया dy = 1 - cos x, की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 sin² x / 2 अपॉन, यहां हो जाएगा 2 cos² x / 2, और इसके साथ में dx हो गया। ठीक है? तो भैया, ये 2 से 2 खत्म, साइन बटे कॉस, हाँ टेन, तो ये कितना हो जाएगा? dy = ∫tan² x / 2 dx। ठीक? अच्छा बच्चों, क्लास 10th में हमने फार्मूला पढ़ा था, अगर आपको ध्यान होगा, कि tan² थीटा क्या होता था? sec² थीटा - 1। इसी तरह यहां पे देखो, tan² x / 2 की जगह पे क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा sec² x / 2 - 1 dx। ठीक है? अब इसको हम आराम से इंटीग्रेट कर लेते हैं। हमें मालूम है कि sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या होता है मालूम है ना? और देखो यहां पे दिख रहा है dy, इसके साथ कुछ नहीं, 1 तो होगा ना, तो 1 का क्या हो जाएगा? 1 dy का y आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y। और sec² x / 2, देखो इसको अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग कर ले, sec² x / 2 dx -1 dx। ठीक है? तो ये तो y रहा, इसको क्या लिखेंगे? sec² x / 2 का sec² x का इंटीग्रेशन, हाँ tan x, तो ये हो जाएगा tan x / 2, और दोबारा x / 2 का करेंगे तो कितना आएगा? 1/2 आएगा। ठीक है? माइनस 1 का हो गया x प्लस c, और ये 2 ऊपर चला जाए, तो ये कितना हो जाएगा? 2 tan x / 2 - x + c, ये आपका आंसर हो गया। बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया? आसान था कि नहीं, है ना? चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों,
तो देखो बच्चों मैंने क्या बताया था, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, ठीक है। तो वाई वाली कहानी डी वाई के साथ और एक्स वाली कहानी डी एक्स के साथ, ठीक। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं, यानी इसके साथ इंटू वन तो लिख सकते हैं, तो डी एक्स वन के साथ भेज देते हैं और ये पूरा इंटू में है तो किसके इसके नीचे आ जाएगा, डी वाई के नीचे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन रूट फोर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, डी एक्स को इधर भेज देते हैं तो डी एक्स इंटू वन डी एक्स हो जाएगा। अब इधर जब इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड में इंटीग्रेट, चलो यहां पे वन लिख लो ये अभी, ठीक है वन। अच्छा ये मैंने क्या बताया, वन का डी के साथ है ना, मतलब वन का इंटीग्रेशन करेंगे कांस्टेंट का तो क्या आएगा डी एक्स आएगा, ठीक है। अच्छा यहां पे देखो जो एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है, ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, होता है कि नहीं होता है, ठीक। तो यहां पे देखो a a की जगह पे, अच्छा ये 4 है, 4 को तो 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, चलो भाई लिख लेते हैं यहां पर 1 अपॉन ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और इसको x कर लेते हैं x प्लस c, ठीक है भाई इंटीग्रेट हो गया ये। अच्छा यहां पे देखो इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, x की जगह पर y है और a की जगह पे 2 है, ठीक है इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। और अब आप इसको यहां भी छोड़ सकते हो चाहो तो थोड़ा और सॉल्व कर लो, देखो ये साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन बन जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा वाई बाई टू इज इक्वल, ये इनवर्स था ना उधर जाके क्या हो जाएगा साइन साइन एक्स प्लस सी, एक्स प्लस सी ये हो गया, ठीक है भाई। और अब टू को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा वाई इज इक्वल टू टू साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। तो बस अब चेंज तो छोड़ दो है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, चेक कर लो यही आया होगा, ठीक है ये हो सकता है ये आया हो, आया समझ में कि नहीं आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें देखो ध्यान से देखो एक चीज देखो, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। अच्छा इस प्लस वाई को उधर भेजे तो ये ऐसे हो जाएगा वन माइनस y, ठीक है इतनी बात समझ में आई। और y 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अच्छा भाई। और देखो बात को समझो, इसके साथ में क्या इंटू वन है, जैसे अभी पहले किया था वैसे ही तो है, तो इंटू वन है तो dx इधर चला जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों dy वाई अपॉन वन माइनस वाई और dx को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx, तो ये भी इंटीग्रेट कर दो इधर भी इंटीग्रेट, तो ये यहां पे लिख लो 1, ठीक है ना। मैंने क्या बताया था वाई वाली कहानी वाई के साथ, ठीक, और एक्स वाली कहानी एक्स के साथ। अच्छा तो अब बच्चों हमने क्या पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स इज व्हाट, लॉग मॉड एक्स प्लस सी, होता है ना। इसी तरह से एक्स की जगह पे ये पूरी कहानी आ गई तो ये क्या हो जाएगा लॉग मॉड वन माइनस वाई और फिर दोबारा माइनस वाई का करेंगे, दोबारा से करना पड़ेगा ना, माइनस वाई का तो कितना आएगा माइनस वन, तो ये माइनस आप यहां पर लगा दो तो और वन का कितना हो जाएगा एक्स प्लस सी, ठीक। अच्छा अब ये अगर माइनस में इधर भेज दूं, ये माइनस दिख रहा है इधर भेज देता हूं, चलो भेज देता हूं अगली लाइन से लॉग वन माइनस वाई इज इक्वल टू, तो ये माइनस एक्स और माइनस प्लस माइनस सी, ऐसे हो जाएगा ना। अच्छा अब एक चीज ध्यान से देखो बच्चों, देखो हमने एक फार्मूला पढ़ा है, आप यहां तक भी इसको छोड़ सकते हो फिर भी सही है ना, इतना भी ठीक है ये। और देखो हमने एक फार्मूला पढ़ा है लॉग एक्स, इसके बेस में ये होता है, अगर ये मान लो दिया हो कितना एम दिया हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x, ये लिख रहा है ना x, x इज इक्वल टू हो जाता है e की पावर m, एक्सपोनेंशियल में बदल जाता है, बात समझ में आई। तो ध्यान से देखो इसके साथ में यहां कुछ नहीं, e तो रहता ही है, ठीक है बेस में, तो e यहां पे e है, बराबर में क्या दिया m, यहां बराबर में देखो ये दिया हुआ है, ठीक है तो e की पावर में ये पूरा आ जाएगा और ये x की जगह पे 1 माइनस y है तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस y इज इक्वल टू e और इसकी पावर में क्या आ जाएगा माइनस एक्स माइनस सी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो वन माइनस वाई इक्वल टू और इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो हो जाएगा एक्स प्लस सी, ठीक है भाई। तो इस पूरे को उधर ले आओ वाई को उधर भेज दो तो ये ऐसे हो जाएगा वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू वाई, तो बस ठीक है ये भी सही है इतना, है ना, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, यहां तक करके छोड़ दो और यहां तक भी आप छोड़ दोगे तब भी सही है और यहां तक भी छोड़ दोगे तब भी सही है, क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें क्या करना है,
अब देखो इसमें मैंने क्या बताया था कि एक्स वाली कहानी डीएक्स के साथ होनी चाहिए, वाई वाली कहानी डीवाई के साथ होनी चाहिए, तो सब एक साथ हो गया ना, तो यही चीज हमें सब सेट करना होता है ना, इस क्वेश्चन में अरेंज करना होता है। अच्छा अब देखो ध्यान से, पहले ये जो दिया है इसको इतना यहां पर रोक लो, इसको ऐसे लिख लो आप, सेक स्क्वायर एक्स टैन वाई डीएक्स, और ये प्लस का है पूरा उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा ना, सेक स्क्वायर वाई टैन एक्स डी वाई, ठीक है। अब देखो ये है तो सब मल्टीप्लाई में एक दूसरे के साथ, तो यहां पे सेक स्क्वायर एक्स है, यहां पे टेन एक्स है, तो इसको इधर ले आता हूं, है ना, इसको यहां पे ऐसे लिखा रहने दो, सेक स्क्वायर एक्स, और ये टेन एक्स को यहां ले आ रहा हूं मैं, इसके नीचे इनटू में हो जाएगा ना, तो ये डिवाइड में हो गया टेन एक्स, और डी एक्स ऐसे रहने दो, और इस टेन वाई को ये भी तो इनटू में ही है तो ये इसके नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर वाई, और ये इसके नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा टैन वाई एंड टी वाई। अब देखो एक्स वाली कहानी डीएक्स के साथ, वाई वाली कहानी डी वाई के साथ, ठीक है भाई। अच्छा अब क्या करना है, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, इधर भी इंटीग्रेशन कर लो और इधर भी कर लो भाई, और ये माइनस को बाहर कर लेते हैं, ठीक। अच्छा अब देखो इसको करेंगे कैसे, इसमें देखो ध्यान से देखो बच्चों, ये दिख रहा ना ये टेन एक्स, यहां पर देखो मैं क्या कर रहा हूं, लेट करता हूं इसको, ऐसे लिख लेते हैं, लेट टेन एक्स इज इक्वल टू, इसको टी मान लो, तो भैया टेन एक्स टी है तो टेन एक्स का डी बाई डी एक्स में मान लो मैं क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और टी का डी टी बाई डी एक्स क्या आएगा, डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स को उधर भेज देते हैं डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी टी, ठीक है। चलो भाई यहां पे आते हैं, ध्यान से देखो sec square x dx, sec square x dx, ध्यान से देखो sec square x dx, sec square x dx, इसकी जगह पे dt लिख देते हैं, इस पूरे इतने की जगह पे dt लिख देते हैं भाई, चलो ये dt हो गया अपॉन, और tan x की जगह पे t लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा इज इक्वल टू वही चीज देखो यहां पे भी देखो, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, यहां पे देखो यहां पे मैं tan y को कुछ और मान लो, u मान लेते हैं, ठीक है भाई। तो इसको करेंगे जैसे t माना था तो ये आया था, तो u माना है तो कितना आएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर वाई, और u का क्या हो जाएगा, जैसे t का dt बटे dx, तो u का कितना हो जाएगा, du बटे dy, कितना आएगा dy, तो यहां पे dy लिख दें ऐसे dy, है ना, अपॉन में आएगा इधर कर देंगे, तो ध्यान से देखो sec स्क्वायर वाई dy, sec स्क्वायर वाई dy, इसकी जगह पे du लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर वाई डी वाई की जगह पे लिख देते हैं डी यू, और टेन वाई की जगह पे लिख लेते हैं यू, ठीक है। अब ये आराम से हो जाएगा भैया, वन अपॉन टी यानी वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स, इसी तरह यहां पे भी, तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा लॉग टी इज इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा माइनस लॉग यू, और इसके साथ में कॉन्स्टेंट भी लॉग वाली लगा दो आप, जब लॉग में चल रही सारी कहानी, तो ये हो जाएगा प्लस लॉग सी, ठीक है ना, कांस्टेंट भी लॉग का ही लगा लेते हैं जब सब लॉग का है, तो बेटा देखो ये माइनस की कहानी इधर आएगी तो ऐसे हो जाएगा लॉग टी, और टी क्या माना था हमने, टी माना था देखो टेन एक्स, तो यहां पर लिख लो टेन एक्स, और ये माइनस का उधर आया तो प्लस का हो गया लॉग यू, और यू माना था टेन वाई, तो ये हो गया टेन वाई इज इक्वल टू लॉग सी। अब हमने पढ़ा ना लॉग में, लॉग एम प्लस लॉग एम प्लस में होता है तो वो इनटू में बन जाता है, तो इसको लिख लेते हैं लॉग, तो ये हो जाएगा बच्चों टेन एक्स इंटू टेन वाई इज इक्वल टू लॉग सी, तो देखो लॉग से लॉग खत्म, कितना बचा, ये बचा टेन एक्स इंटू टेन वाई इज इक्वल टू सी, तो ये आपका आंसर हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं, है ना। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें देखो सारी कहानी तो x में चल रही है, वेरिएबल x है ना, तो सब dx के साथ होगा, dy तो अकेला ही रहेगा, तो एक काम करते हैं, ध्यान से देखो ये ex plus e की पावर माइनस एक्स dy, ठीक है, और ये माइनस की कहानी उधर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा ex माइनस e की पावर माइनस एक्स dx, ठीक है। तो ध्यान से देखो ये इनटू में तो है तो ये पूरा इसके
नीचे आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो यहाँ पे केवल डी वाई बचेगा। तो लिख लो डी वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ई एक्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब याद करो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किसमें लगाते थे, डी बाई डी एक्स, याद आ रहा है, डिफरेंशिएशन में लगाते थे। अच्छा, और इंटीग्रेशन में भी हमने लगाया हुआ है शायद 7.5 या 6 में, है ना, एक ऐसा क्वेश्चन था। अच्छा देखो ध्यान से, अब देखो इसमें करेंगे क्या, हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है इसको, इधर भी इंटीग्रेट करना है और इधर भी इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना, एक्स के साथ में वेरिएबल डी एक्स, ठीक है, एक्स के साथ में डी एक्स हो गया। अच्छा अब पहले ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट की तो कोई जरूरत है नहीं फिलहाल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इसको टी मान लेते हैं ना, इसको टी मान लेते हैं, तो यहां पे लिख लेते हैं लेट ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। तो ई एक्स कब चो गया, वापस यही मिल जाएगा हमें, और ई की पावर माइनस एक्स का भी यही मिल जाएगा, और फिर माइनस एक्स का दोबारा करेंगे तो माइनस आएगा, है ना, और फिर यहाँ पे क्या रहेगा डी एक्स डी टी बटे डी एक्स, तो डी एक्स को यहाँ लिख लो, ये हो गया डी टी। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। अच्छा अब ध्यान से देखो डी वाई का करेंगे, इसके साथ वन तो रहा होगा ना, कुछ भी वन, तो वन का तो हो गया वाई, यहाँ पे देखो ये हो गया ई एक्स, सॉरी ध्यान से देखो ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स वही चीज दी है, फिर डी एक्स डी एक्स, तो ये पूरा किसके बराबर है, डी टी के बराबर, तो जो ऊपर दिया इसकी जगह पे लिख दो आप डी टी अपॉन ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, इसकी जगह पे लिख लो टी। ठीक है, आसान हो गया कि नहीं। अच्छा अब वाई इज इक्वल टू ये वन अपॉन टी का हो गया लॉग टी प्लस सी। ठीक है भाई, अच्छा अब ध्यान से देखो y इज इक्वल टू लॉग, जहां पे t है, t किसको माना था, इस पूरे को माना था, यहां पे लिख लो या ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखो बच्चों ये दिख रहा है 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे dy है, इसको इसके नीचे ले आते हैं, और ये dx है, इसको उधर भेज देते हैं, है ना, है तो मल्टीप्लाई में ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन ये पूरा आ गया इसके नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पर लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके साथ में डी एक्स भेज देते हैं। ठीक भाई, अच्छा तो आप कुछ नहीं करना, इंटीग्रेट कर लो दोनों साइड, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो हमें पता ना, देखो ये फार्मूला मालूम है कि नहीं, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या होता है, या फिर ऐसे देख लो यहाँ पे ऐसा लिखा हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो किसका होता है tan इनवर्स x प्लस सी, इसका होता है ना, तो यहाँ पे जहां पे x है वहां पे y आ गया, तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू, इसमें 1 का करेंगे तो x आएगा, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर भी पावर प्लस 1 और नीचे भी पावर प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, और इसको हटा देते हैं, तो अब ध्यान से देखो बच्चों, आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो, tan इनवर्स y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ठीक है, तो आप इसको यहीं पे छोड़ दो, चाहो तो tan को उधर ले जाओ, तो ये ऐसे हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स इधर आया तो हो जाएगा tan 3x प्लस x क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ऐसे भी छोड़ सकते हो ना, तो यहां तक भी सही है, यहां तक भी सही है। क्लियर हुआ कि नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें देखो ध्यान से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए y log y dx इज इक्वल टू, ये माइनस की कहानी तो प्लस हो जाएगा x dy। अब देखो यहां पे dy है और यहां पे dx, तो x को उधर ले आते हैं, खाली dx को यहां पे रोको, सिर्फ dx को, तो ये x नीचे आ जाएगा। ठीक, और यहां पे dy दिया हुआ है, और इसके नीचे पूरा ये y वाली कहानी इसके साथ आ जाएगी, y log y। ठीक है, इधर भी इंटीग्रेट कर दो, इधर भी इंटीग्रेट कर दो, तो अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, इसको तो आप आराम से कर लोगे, इसमें क्या करेंगे देखो, ध्यान से देखो, यहां पर मैं लिख लेता हूं लेट, ये दिख रहा है log y, log y को हम t मान लेते हैं, तो log y को अगर t मानेंगे तो क्या होता है, log x का डिवाइड x 1 अपॉन x, तो log y का हो जाएगा 1 अपॉन
वाई, और टी का हो जाएगा डी टी वाई डी वाई। तो भैया डी वाई को आप इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा डी वाई इज इक्वल टू वाई डी टी। ठीक है, चलो फिट करते हैं इसको। तो ये हो गया बच्चों डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे डी वाई की जगह पे लिखूंगा वाई डी टी अपॉन वाई, तो ऐसे ही रहा, और लॉग वाई की जगह पे टी लिख देते हैं। ठीक, तो इसका फायदा ये हुआ कि वाई से वाई कैंसिल, तो बचा कितना, ये बचा इधर डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन टी। तो बच्चों वन अपॉन एक्स का क्या होता है लॉग एक्स, और इसका कितना हो जाएगा डी टी बाई टी, तो ये हो जाएगा लॉग टी प्लस सी कर लो इधर। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, एक काम करो सी इधर कर लो, इधर लिख लो प्लस सी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, ध्यान से देखो इधर, है ना, ध्यान से देखो इसको, इसको पहले लिख लें, है तो दोनों इक्वल ही, इसको पहले लिख लेता हूँ डी टी अपॉन टी, या डायरेक्ट ही यहां पे लिख देता हूँ जैसे मैंने इधर काटा था, है ना, इसको इधर लिख देता हूँ डी टी अपॉन टी एंड डी एक्स अपॉन एक्स। तो इसको बच्चों सॉल्व किया तो ये कितना आया लॉग टी, और ये आया लॉग एक्स प्लस, और कांस्टेंट में लॉग वाले लगा दो लॉग सी। ठीक है, तब देखो बच्चों लॉग टी क्या माना था हमने, टी 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 ये रहा लॉग वाई, तो यहाँ पे लिख लो लॉग वाई। और इसमें देखो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, ये प्लस का रहा इधर ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग सी। तो ये माइनस में ना हमने पढ़ा डिवाइड में क्या होता था, माइनस लॉग एम माइनस लॉग एन, तो डिवाइड में हो जाता था, तो ये हो जाएगा लॉग लॉग वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग सी। तो लॉग से लॉग खत्म, तो बचा कितना, ये लॉग वाई अपॉन एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी। तो ठीक है, बस ये हो गया। आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख लो लॉग वाई इज इक्वल टू सी एक्स, इधर मल्टीप्लाई हो गया, और अभी मैंने बताया था ना लॉग की कहानी, इसके साथ में बेस में क्या होता है ई होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो वाई इज इक्वल टू ई इसकी पावर में लिख लो सी एक्स, या एक्स सी कुछ भी लिख लो, पहले एक्स को लिख लो भैया एक्स सी। ठीक है, तो ये भी सही है, और यहां तक भी छोड़ देंगे तब भी ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं। 8 नंबर क्वेश्चन लिखते बच्चों, इसमें देखो ये डी वाई है, यहाँ पे वेरिएबल वाई इधर है, तो वाई को उधर कर लेते हैं डी एक्स को उधर भेजते हैं। तो ध्यान से देखो, पहले मैंने डी वाई को यहीं रोक कर रहा हूँ, है ना डी वाई, तो इसको उधर ले भैया, इसके साथ कुछ नहीं इंटू में वन तो होगा ना, तो आप इसको उधर ले आओ, तो ये ऐसे हो जाएगा डी वाई के नीचे वाई की पावर 5। ठीक है, माइनस में चलो भाई माइनस में इधर लेते हैं, आप इसको माइनस में इधर लिख दो। ठीक है, और dx को उधर भेज दो, तो dx को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे dx हो जाएगा, और ये x नीचे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा x की पावर 5। ठीक है भाई, अच्छा अब ध्यान से देखो बच्चों, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इंटीग्रेट कर ले दोनों तरफ, है ना, इंटीग्रेशन 1 अपॉन y की पावर 5 dy, और ये भी कितना हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर 5 dx। अब बच्चों देखो, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा y की पावर -5 डी वाई, अब आप इसको आराम से कर लोगे, इसमें तो कुछ नहीं करना, क्या करना है, कुछ नहीं करना मतलब सॉल्व तो करना ही है ना। अच्छा तो देखो इसको कैसे करेंगे इंटीग्रेट, ऊपर भी +1 नीचे भी +1, है ना, तो ये हो जाएगा, ये माइनस तो पहले से ही है, तो ये हो जाएगा वाई की पावर -5 +1, और यहां भी -5 +1, इधर भी वही कहानी -5 +1 -5 +1। ठीक है, और ये प्लस सी, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा y की पावर -4, और नीचे भी आ गया -4 इज इक्वल टू, और ये भी हो जाएगा x की पावर -4 अपॉन -4 प्लस सी। तो देखो भाई ये माइनस से माइनस खत्म, बचा कितना, जो बचा उसको लिख लो, तो ये हो गया y की पावर -4 अपॉन 4, और इधर भी वही कहानी बची है ना, ये बच्चा कितना x की पावर -4 अपॉन
माइनस फोर प्लस सी, तो ये पूरा इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा ना, ये माइनस की कहानी इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो इसको ऐसे लिख लो y की पावर माइनस फोर, और इसको भी एक काम करते हैं ध्यान से देखो, अपॉन में ले आओ तो ऐसे हो जाएगा वन अपॉन फोर वाई की पावर फोर, और ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इसको भी लिख लेते हैं फोर एक्स की पावर फोर इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो अब चाहो तो इसमें से 1 बाई फोर कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू सी, 4 को उधर भेज दो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 4 1 अपॉन वाई की पावर 4 इज इक्वल टू 4c, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी छोड़ दो, ये भी सही है, और अगर माइनस में चाहिए तो आप इसको ऊपर भेज दो, x की पावर माइनस फोर प्लस y की पावर माइनस फोर इज इक्वल टू 4c, ऐसे भी ठीक है, ठीक है ना। ओके, नाइन नंबर क्वेश्चन में देखिए बच्चों, तो ये तो बहुत सिंपल है, dx ऊपर भेज देते हैं तो ये ऐसे हो गया dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स x dx। अब इसमें क्या आइलेट मेथड से सॉल्व करेंगे ना, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो इसको भी कर लो इंटीग्रेट, इधर भी इंटीग्रेट कर दिया, तो ये तो हो गया डी वाई इज इक्वल टू, यहां पे ध्यान से देखो साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स, तो इसके साथ में कुछ नहीं, इनटू में वन लिख लो होगा ना। तो देखो हमने पढ़ा ना आइलेट रूल, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकेंड फंक्शन, ठीक है। और डी वाई को इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो सिंपल वाई आ ही गया, इसमें क्या होता था ये फर्स्ट फंक्शन हो गया ना, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो x वन का करेंगे बच्चों तो x ही आएगा, है ना, x आएगा, चलो लिख लेते हैं x, फिर माइनस d by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो साइन इनवर्स x का d by dx कितना होता है, ये होता है 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x ही आएगा, तो ऊपर लिख लो भैया x और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, ये पता है आपको आइलेट रूल, ठीक है। अच्छा तो ये बच्चों हो गया y इज इक्वल टू x को पहले लिख लो, तो ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x। अच्छा यहां पे एक चीज देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पे देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, लेट ये दिख रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसको t मानते हैं, तो ये कितना हो जाएगा माइनस टू एक्स डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स इधर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं डी एक्स की वैल्यू निकालू तो कितना हो जाएगा डी टी अपॉन माइनस टू एक्स, होगा कि नहीं होगा, तो वही कहानी यहां पे देखो मैं फिट कर रहा हूं, एक्स एज इट इज रहा, रूट इस पूरे की जगह पे हमने टी लिख दिया, टी माना था ना, टी लिख दिया, और डी एक्स की जगह पे क्या लिख दिया हमने, डी एक्स की जगह पे लिख दिया डी टी अपॉन माइनस टू एक्स, तो एक्स से एक्स खत्म, और ये माइनस टू और ये माइनस, तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको बाहर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा वाई एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस, तो ये हो गया प्लस वन बाई टू, और ये हो गया डी टी अपॉन रूट टी, इतना समझ में आया। अच्छा अब बच्चों ध्यान से देखो क्या करेंगे, अब इसको हम लिख लेते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स। अच्छा देखो हमने पढ़ा है ना, देखो ये पता है ना कि इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट एक्स क्या होता है, टू रूट एक्स प्लस सी, ये हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज यहां भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखो, रूट एक्स की जगह पे रूट टी है, तो कितना आएगा इसका, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वन बाई टू, ये हो जाएगा टू रूट टी प्लस सी, तो एक फायदा देखो ये मिला, टू से टू खत्म हो गया, तो y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट टी, और बेटा t को क्या माना था हमने, ध्यान से देखो t माना था ये रहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पे लिख लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और बस ठीक है, ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर है। चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते बच्चों, इसमें देखिए देखिए ध्यान से देखिए, इसको मैं ऐसे लिख लेते हैं e की पावर x tan y dx, ठीक है, और इस पूरी कहानी को मैं उधर भेज रहा हूं, प्लस का उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन लूं, तो
ई एक्स माइनस वन हो जाएगा, मतलब ई एक्स पहले रहेगा, वन बाद में हो जाएगा, और माइनस कॉमन लूंगा तो एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस हाँ प्लस बन जाएगा। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ध्यान से देखो, इसको ऐसे लिख लेते हैं ई एक्स माइनस वन, तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का मतलब हटा ही दो, या तो मैं लिख देता हूँ प्लस का, समझ गया ना, मैंने माइनस कॉमन लिया है। अच्छा अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये दिया है ई एक्स, और तो ई एक्स माइनस वन, इसको नीचे ले आओ, ई एक्स माइनस वन, और यहाँ पे रहा ये डी एक्स, और इधर कितना बचा, इधर बचा सेक स्क्वायर वाई डी वाई, और यहाँ पे था ना टेन वाई, तो ये भी इनटू में है, इसके नीचे आ जाएगा अपॉन टेन वाई। तो देखो वाई वेरिएबल के साथ डी वाई और एक्स वेरिएबल के साथ डी एक्स, ठीक है। तो बस अब देखो मेन कहानी अरेंज करने की है, कैसे भी करके इसको सब सेट कर दो पहले आप, फिर आराम से सॉल्व हो जाएगा, फिर तो वही है जैसे पहले करते आए अभी तक इंटीग्रल, ठीक है। अच्छा अब देखो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, इसको टी मान लो, तो क्या लिखेंगे, लेट ई की पावर एक्स माइनस वन इज व्हाट टी, तो ये तो ऐसे रहेगा ई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, देयरफॉर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन ई एक्स, ठीक है। अच्छा इसी तरह यहां पे भी tan y को कुछ मान लो, लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, let tan y is equal to u मान लो, तो tan y का क्या हो जाएगा sec square y, और u का कितना आएगा, u का आएगा du upon dy, तो dy को उधर लिख लो, तो ये du हो गया, है ना। अच्छा तो बट जाओ जब dy की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dy upon sec square y, ठीक है। चलो तो अब यहां पे फिट करते हैं, पहले ई एक्स अपॉन ई एक्स माइनस वन की जगह पे टी आ गया, और डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन ई एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर आते हैं सेक स्क्वायर वाई एज इट इज रहा, टेन वाई की जगह पे यू आ गया, और डी वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, डी यू अपॉन, ऐसा सही से लिख देते हैं, डी यू अपॉन सेट स्क्वायर वाई, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, ई एक्स से ई एक्स खत्म, सेट स्क्वायर वाई से सेट स्क्वायर वाई खत्म, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा वन अपॉन टी डी टी, या तो ऐसे लिख लो डी टी अपॉन टी, और यहां पे क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन यू, ठीक है। अच्छा अब क्या हो सकता है, अब देखो बस इसको सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड में टी हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा लॉग यू, ठीक है, प्लस लॉग सी, ठीक है, इसको मैं मॉड बदल लूं। तो अब देखो या ऐसे लिख दो, कोई बात नहीं, टी को मैंने क्या माना था बच्चों, टी को टी को टी को ये था ई एक्स माइनस वन, तो यहां पे लिख लो लॉग ई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू लॉग यू को माना था टेन वाई, तो यहां पर लिख लो भैया क्या, टेन वाई, ठीक है, और ये तो ऐसे रहेगा log c। तो देखो ये प्लस का है तो उधर ले आओ, ये प्लस का है ना, दिख रहा है, तो प्लस का होगा तो इधर माइनस का होगा, तो यहां पर ठीक है ऐसे छोड़ दो। तो एक चीज देखो, ध्यान से देखो, log ex माइनस वन इज इक्वल टू log में, अगर प्लस में होता तो इंटू में हो जाता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log tan y into c, तो इससे फायदा ये मिला कि log से log खत्म, तो ये कितना हो गया e x minus 1 is equal to tan y into c, ठीक है। तो बस यहीं तक छोड़ दो, ये भी आपका आंसर ठीक है, और चाहो तो आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये